ये वो पत्थर है भाई जो पहले था तोड़ दिया गया, ये निवास हरियोसो सुरजा खेड़ा, राम निवास सुरजा खेड़ा, ये सभी के जो नाम इसको पर लिखे हैं, ये पहले वहाँ पर तोड़ दिया गया था। नहीं है, मैं तो इसको नहीं कहूँगा, अच्छी सोच नहीं है ये कि पत्थर को तोड़ना, कोई बातचीत है तो बैठ कर समाधान किया जा सकता। जैसे वो पत्थरों को तोड़ते हैं, शहर का विकास कार्य में बाधा डालते हैं, अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जो भी आशु एमसी है और हमको धमकान लग रहा है कि आशुतोष है एमसी कि वे हम इसको तोड़ेंगे इस पत्थर नंबर को। क्या आपको क्या लगता है पत्थर तोड़ने से विकास रुकेगा, बढ़ेगा और बढ़ेगा जनता की और सहानुभूति, यानी और हौसला बढ़ेगा सर? रह के राजी नहीं है। अच्छा जी, क्योंकि यहाँ अधिकारी ने टिकने नहीं देते, और टिकने ना तो किसी ने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नरवाना का विकास से नहीं चाहते होना। अच्छा जी, विधायक जी लेके आए हैं, लेकिन ये है कि अब झूठी प्रशंसा चाहिए, क्रेडिट चाहिए, वो नहीं मिलेगा। जिसने काम किया उसी को क्रेडिट जाना चाहिए। जय बाबा के बिजा। एक मिनट रुक जाना जी, एक सेकंड सरपंच आप जगह दे दो, एंजीनियर भाई थोड़ा पीछे हो जाओ, एक सेकंड पीछे हो जाओ। अब जैसे काम तुम्हारा मैं लेने छोटे भाई सर, राम ना सुता खेरा जिंदाबाद, देश मिटा जिंदाबाद, जय बाबा के बिजा। जी आज जो शिलान्यास किया है ट्रैफिक लाइट का, तो कितने पुरानी मांगे थी ये सर, इसके बारे में बताना चाहेंगे? ये तो बहुत पुरानी मांग थी, क्योंकि यहाँ काफ़ी जो चौक था, एक्सीडेंट भी काफ़ी हुए हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, और इसका रिकॉर्ड भी है कि पीछे भी कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ, नौजवान की डेथ हुई है। तो कम से कम हमारा भी इसमें पूरा प्रयास था कि तीन चार जगह चाहिए हमें कम से कम, तो एक तो हमारे पुराना बस स्टैंड की थी, एक नया बस स्टैंड की है, और एक मिनी सेक्रेटेट के, एक एरियल की है, और दो तीन मेरे ख्याल शहर की भी जरूरत है। एक तो अपना पुलो चौक के चेयरमैन साहब, और एक अपना मेरे ख्याल लक्ष्मी सिनेमा के द्वारा जाना था शहीद भगत सिंह के जहाँ पर है, और एक अपना है वहाँ मंडी में क्रॉसिंग पल्ली साइड में, तीन और है, लेकिन तीन हमारी पास हो चुकी है और तीनों के टेंडर लग चुके हैं और खुल भी गए हैं, और ठेकेदार आज इनका शिलान्यास भी हमारे साथ, जो नरवाना नगर परिषद के चेयरमैन हैं हमारे मुकेश जी, मेदा जी और लक्ष्मण जी, प्रधान जी हमारे, और वाइस चेयरमैन शशिकांत शर्मा जी है, और हमारे एमसी साहब हैं, चैल साहब हैं, शेरा जी बबलू एमसी हैं, और जितने हमारे सारे साथी हैं। तो आज शहर में बड़ा आज उत्साह का है विषय है कि वे आज ये लाइटें जितनी पुरानी मांग थी हमारी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के अनाउंसमेंट, सीएम अनाउंसमेंट के तहत आज हमने इन तीन लाइटों का शिलान्यास करने जा रहे हैं। एक का यहाँ हो गया, दो आँख और है, तो इसमें बहुत अच्छा मैसेज है कि बहुत पुरानी मांग थी और इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और शहर में सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे एनएच की में दिक्कत आई थी, क्योंकि एनएच में ना इसमें परमिशन की दिक्कत है, क्योंकि एनएच में परमिशन नहीं देते लाइटों की। हमें बड़ा आंकड़े दिखा गया चेयरमैन साहब बना रहा, हमारे पूरे साहब के प्रयासों से, जितने भी पूरे शहर की नगर परिषद है चेयरमैन हमने, तो ये पहले एनओसी ले गए, एनओसी ले गए, फिर सारी आके प्रक्रिया चली, प्रक्रिया लेने के बाद आज इसका शिलान्यास है, और उसका शहर में बहुत
अच्छा मैसेज। विधायक जी क्या लगता है कि जो लाइट लगने से कितना सा फायदा होगा और कितनी घटनाओं पर अंकुश लगेगा? बहुत सारा, सारा का सारा अंकुश लगेगा। अच्छा जी, बहुत फायदा होगा शहर को, क्योंकि कई बार तो जैसे स्कूलों की छुट्टी हो जाती है, कॉलेज की हैं, रोड हैं, दिक्कत होती है। जैसे हमारा हॉस्पिटल है, कुर्सी रोड से आते हैं, तो काफ़ी दिक्कत थी, लेकिन इससे बहुत सारा फायदा मिला है जनता को। विधायक जी एक और बात सुनने में आई थी कि जो असीला लाश इस पत्र का किया, कहीं ना कहीं उसको पहले तोड़ा भी गया, ऐसा कुछ सुनने में आया, क्या कुछ मामला है उसके बारे में? ये अच्छी बात नहीं है, शहर का विकास हुआ है। मुख्यमंत्री की जो शिला पत्थर है उसको तोड़ना, हाँ ये देखो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की CM नॉस मूवमेंट के तहत हमारी अपील थी कि यहाँ बहुत ज़रूरत है, तो हमें ही कराया, लेकिन कुछ ही नगर परिषद का जो सदस्य है, ठीक है, उनको चाहिए तो विकास के कार्य को साथ चलना उनके, लेकिन ये अच्छी सोच नहीं है, मैं तो इसको नहीं कहूँगा अच्छी सोच नहीं है ये कि पत्थर को तोड़ना। कोई बातचीत है तो बैठ कर समाधान किया जा सकता है, कोई बात है, कोई मन में क्या बात है, चेयरमैन साहब हैं हमारे साथ है, बिल्कुल हम ही बता सके, तो बैठ कर ऐसी कोई बात नहीं जिसका नहीं समाधान निकाल सकते, लेकिन ये एक अच्छी सो मतलब चुने हैं, जैसे जनता द्वारा चुने हुए पार्षद हैं, और वो जैसे वो पत्थरों को तोड़ते हैं, शहर का विकास कार्य में बाधा डालते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी इसका दोषी होगा उससे सख्त से सख्त कार्रवाई मतलब करेगा। कंफर्मेशन है सर ये तोड़ा गया है इसलिए? हाँ बिल्कुल। तो क्या कुछ ये क्या हमारे इसके पीछे मकसद क्या रहेगा सर? ये हमारे MEA है नगर परिषद के रमन जी, उनका मेरे पास फोन आया कि भाई आशु MC है और हमको दम कान लग रहा है कि आशुतोष है MC कि भाई हम इसको तोड़ेंगे। इस वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर दो उसका तीन पड़ता है। तो MEA के पास उसकी चैटिंग भी है और फोन भी आया है, उसने खुद MEA ने बताया, मैंने अभी पूछा, कह रही हाँ जी हमें धमकी भी दे रहा था कि हम तोड़ेंगे। क्या है सर उस चैटिंग के अंदर, कोई धमकी है सर? अब वो तो MEA के पास फोन आया है, उसने कहा कि भाई हम तोड़ेंगे इनको, हम विकास नहीं होने देंगे। फिलहाल एक व्यक्ति का नाम आया क्या सर, या फिर और भी? क्या जी, क्या व्यक्ति के द्वारा किया गया? देखो फोन है कि एक व्यक्ति का आया, लेकिन चैटिंग उसमें 4-5 जन की है। क्या लगता है सर क्या मकसद रहेगा? 5 है, क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? वो तो कानून जो भी वेरिफिकेशन जो होगी, फुटेज में निकलेगी, जो निकलेगी, जो जो इंक्वायरी होगी, कानून जो करेगा उसके तहत जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। सर जनता का मकसद क्या है सर ऐसा करने से? मकसद ये कार्य में आप अग्रसर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि रोड़ा डाल रहे हैं। मकसद ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये तो पब्लिक का फैसला है, पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता का फैसला होता है वे कौन किसकी सरकार आएगी, कौन मुखिया बनेगा, लेकिन जो अच्छे काम करेगी जनता उसी को चुनेगी, ठीक है। लेकिन वो चाहते हैं कि वे चुनाव होंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी, और सरकार आने के बाद ना तो चेयरमैन साहब कोई काम कर सके विकास का शहर का, और ना विधायक कर सके शहर का काम, भाई हमने कोई टोड़ा नहीं लगाने देना कदे दर। अभी भी कुछ दिन पहले चेयरमैन साहब ने नरवाना की कुछ काम डेवलपमेंट वर्क के लिए कुछ टेंडर लगाए ओपन हुए, उनके खिलाफ भी वहाँ नारेबाजी हुई है। ये चेयरमैन साहब हमारे साथ खड़े हैं, इनसे पूछ सकते हैं, उनको शहर का विकास के लिए साथ देना चाहिए, नारेबाजी लगाना चाहिए, धरना में बैठते फिर ये सर उसमें भी है। हाँ MC बैठे थे, क्यों चेयरमैन साहब वहीं बैठे थे, भाई क्यों टेंडर लगाए? अब जैसे शहर के लिए इतने शहर को सबको फायदा मिलागा और लाइटें लगने लग रही है, तो ये अच्छी बड़ी मांग थी सर, पूरा शहर की मांग थी, और हादसे होने लग रहे थे, काफी हादसे हुए, तो इस तरह की अच्छी पॉलिटिकल हमला है क्या सर? ये पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल का भी कोई एक सिस्टम होता है कहने सुनने का, अगर कोई चीज है पॉलिटिकली भी उसको बैठ कर कोई धरना करे, कोई बैठा है, कोई बातचीत करे, कुछ और करो, चेयरमैन साहब अगर नेम से बात है, मान से बैठे, सारे बैठ कर समाधान भी कर सकते हैं। विधायक जी किसी भी अगर विधायक की बात करें, किसी मंत्री की बात करें, या किसी पार्षद, जनता इसलिए चुनती है कि वो क्या विकास कर सके, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर के लिए तो नरवाना के लिए तो यहाँ कोई अधिकारी भी रह के राजी नहीं है। अच्छा जी, क्योंकि यहाँ अधिकारी ने टिकने नहीं देते, और टिकने ना तो किसी ने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि नरवाना का विकास ही नहीं चाहते होना। अच्छा जी, ये तो कहीं विधायक या चेयरमैन का नाम ना हो जाए। बिल्कुल है, चेयरमैन साहब खड़े हैं, चेयरमैन साहब ने भी टेंडर लगाए हैं, शहर के लगाए हैं, चेयरमैन साहब ने कोई अपने पर्सन थोड़े लगाए हैं। अच्छा जी, जो शहर के जो वार्ड वाइज जिसकी मांग थी वही काम हो रहे हैं, चेयरमैन साहब ने उनकी सबके वार्ड वाइज जितने MC थे सबसे उनकी बातचीत करके भाई अपने अपनी डिमांड ले, और अपने अपनी जो बातें हैं काम की हैं वो जो टॉप प्रायोरिटी पर उन्होंने दो, जितना अपने पास फंड उसमें लगाएंगे, कराएंगे काम, विकास कराएंगे, विकास के लिए बनाए हैं, तो ये उनके लिए भी मतलब इन्होंने नारेबाजी की। और आज सर ऐसे देखा कि आज दोबारा पत्थर लगाया है और वो लगाया है, ये तो लास्ट क्वेश्चन सर हमारा सोच नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन ये है, जो इस प्रकार की बाधा डाली है कानूनी प्रक्रिया में, तो क्या लगता है कि सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सकती है? देखो
मैं तो कहता हूँ इसे चेयरमैन से भी करे, जनता करे, जो कानून है वो कानून तो अपना काम करेगा। अब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की है, हरियाणा प्रदेश के मुखिया की है, जो सीएम अनाउंसमेंट के जो कामों को तोड़ा कर वही करेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। तो कानून मुख्यमंत्री की इनडायरेक्टली बेइज्जती की गई है सर। देखो मुख्यमंत्री तो कभी तेरे से तरह जो घटिया सोच वाले, इनकी छोटी सोच है ये, मुख्यमंत्री थोड़े है ये, तो कानून अपना काम करेगा। तो क्या आपको क्या लगता है पत्थर थोड़ने से विकास रुकेगा? बढ़ेगा, और बढ़ेगा, जनता की और सहानुभूति, यानी कि और हौसला बढ़ेगा सर। विधायक हमारे साथ चेयरमैन खड़े हैं तो बिल्कुल और दौड़ेगा, बिल्कुल जनता जनता चाहे, जनता देखने लग रही है कौन क्या करवाने का काम भी नहीं होने दे रहे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लग रहा है कितना फायदा होगा जी? बहुत अच्छा लग रहा है जी, ये हमारे शहर की बहुत पुरानी डिमांड थी और ये हमारा नए साल पर शहर के लिए बहुत बड़ा तोहफा है और हम बहुत खुश है। इससे जो इतने हादसे हो रहे थे, जान मान की हानि हो रही थी, इसमें बहुत कमी आएगी। और यहाँ पर जैसे स्टेडियम है, कॉलेज है, बच्चे सड़क क्रॉस करते थे उनको भी बहुत दिक्कत होती थी और अब उनको सड़क क्रॉस करने में सुविधा मिलेगी। ठीक है जी, किया है जिसमें आप सभी का सहयोग है। ये तो विधायक जी ने जो पुरानी डिमांड थी जो सड़क हादसे हो रहे थे, ये सीएम साहब से मिले, मिलकर इन्होंने लाइट के लिए गुजारिश की, एनएच से परमिशन लेके आए और ये विधायक जी ने नए साल पर हमारे को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और मैं विधायक जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो ये प्रोजेक्ट लेके आए निर्माणा के लिए। और इससे हमारे यहाँ आमजन की सुविधा होगी, यहाँ मेडिकल है, स्कूल है, कॉलेज है, आईटीआई है, बिल्कुल जी। ये मेन चौराहा है, इस पर हादसे होने का ज़्यादा खतरा था और पंजाब साइड से जो हैवी व्हीकल आते थे वो यहाँ रुक नहीं पाते थे। तो इसके लिए मैं विधायक जी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिन्होंने ये हरकत की है वो इस ऐसी कुछ घिनौनी हरकत है, बेइज्जती किसी की उनकी हुई है जिन्होंने एक हरकत की है। विकास विकास वो जिन एमसी का यहाँ पर नाम आया है वो तो खुद रेड लाइट लगवाने के लिए यहाँ पर धरने पे ही बैठे थे, लेकिन अब जब शिलान्यास हुआ उसको वो तोड़ रहे हैं, तो डबल स्टैंडर्ड कैसे देख पा रहे सर? ये स्टैंडर्ड ये है कि पहले तो खुद क्रेडिट लेना चाहते थे, लेकिन विधायक जी जब खुद लेके आए काम, अब पीछे ब्रेकर बनवाए जो भी है, चलो अच्छा काम किया जो भी करने का प्रयास किया, तो वो भी चाहते थे, लेकिन रेड लाइट है आ गई, विधायक जी लेके आए हैं। लेकिन ये है कि अब झूठी प्रशंसा चाहिए, क्रेडिट चाहिए, वो नहीं मिलेगा। जिसने काम किया उसी को क्रेडिट जाना चाहिए। ठीक है, विधायक जी ने काम किया है, विधायक जी को क्रेडिट है इस बात का। और एक बात हो रहा है, वो ये चाहते हैं कि आदरणीय मिर्दा साहब जो हैं हमारे चेयरपर्सन हैं और विधायक जी हैं, ये काम ना करें यहाँ पे, ताकि आने वाले टाइम में नरवाना की शहर की पब्लिक परेशान हो और वो एक धड़े की राजनीति कर रहे हैं, एक पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, ताकि उस पार्टी का लाभ हो लोगों को परेशान करके। ये हमारे काम को अच्छे से बढ़ना नहीं देना चाहते, वो काम में अरोड़ा डालना चाहते हैं ताकि पब्लिक परेशान हो और वो आगे उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में और लाभ मिल सके। और को हम लोगों के खिलाफ, हम तीन लोग जो हैं और हमारे जो कुछ पार्षद साथी हैं उनके खिलाफ एक तरह का प्रयास कर रहे हैं कि काम नहीं होने देंगे। अब शहर में एक साथ सभी जगह पर काम नहीं होगा, कभी कहीं पर कभी कहीं पर। जो टेंडर लगाए हमने तो वो जिस रोड की ज़्यादा जरूरत थी वहाँ लगाए हैं, वो होने भी चाहिए, नेचुरल सी बात है, एक साथ सभी काम नहीं होंगे। हाँ हम प्रयास कर रहे हैं, अगर उनका कोई काम रहता है तो हम उनका भी काम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हाँ जी, जो ये शिलान्यास का पत्थर है, हाँ, ये तोड़ा हुआ था या ऐसे है? तोड़ा हुआ था जी। अच्छा जी, हाँ जी। फिर आपने कब बनाया है? ये सुबह बनाया जी आज। अच्छा जी, हाँ जी, अभी तक तो कंप्लीट करके आ लिए थे विधायक साहब, तब तक लग रहे थे जी। अच्छा जी, हाँ जी, यानी कि रात कल तोड़ दिया था? कल रात। ये भी पता है किसने तोड़ा? नहीं ये नहीं पता। अच्छा, तो कितना समय मिला आपको ये तो मनाने में? ये मेरे को 2 घंटे दिए गए। 2 घंटे मना दिया। हाँ जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब क्या कहना चाहोगे, पत्थर तोड़ा गया है? ये जो सुराती तत्व है जी, जो बढ़िया काम हुआ जी, 4-5 आदमी खींचना है टांग में, ताकि ये काम जो प्रयास कामयाब ना हो। इसको दे दीजिए आप ले लो। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? विकास बढ़िया होने लग रहा जी, बढ़िया। जो विकास तोड़ दिया ये तो गलत कर जी, तोड़ना नहीं चाहिए था, बढ़िया काम बन रहा था,
पत्ती लगे थी, एक्सीडेंट हो रहे थे बार बार। विधायक जी के कामों से खुश है नरवाना? और बढ़िया काम कर दिया जी, बढ़िया काम तोड़ दिया नहीं, और सदा होना मिलेगी भाई, और काम बढ़िया हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया काम कर। फिलहाल आप ना दिखाऊं भाई, जो पत्थर तोड़ दिया गया था ये देख सको भाई, ये वो पत्थर है भाई जो पहले था, तोड़ दिया गया। ये निवास सुरजाखेड़ा, राम निवास सुरजाखेड़ा, ये सभी के जो नाम इसके ऊपर लिखे, ये पहले वहाँ पर तोड़ दिया गया था, आज सुबह ही भाई ये देख सको दोबारा बनाया गया है। फिलहाल बातचीत करांगे इनता है, ये देख सको ये दोबारा बनाया गया है।